नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हर एक खबर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। एक खबर एसएससी की है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी ठप्पड़ी भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 12 अक्टूबर 2020 से करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण शुरू होने पर आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल अर्थात CHSL 2019 की परीक्षा 17 से 19 मार्च के बीच कराने के बाद स्थगित कर दी थी। अब CHSL की बची ऑनलाइन परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर के बीच होने जा रही है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। प्रसिद्धीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट में शामिल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। इन अभ्यर्थियों ने सचिव से मांग की है कि 31,661 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाए कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कम सीट वाला जिला आवंटित न कर दिया जाए। कम सीट वाला जिला आवंटित करने पर उनकी चयन से बाहर हो जाने का खतरा है। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश था कि आरक्षण एवं जनपद को ध्यान में रखते हुए समानुपात रूप में चयन सूची जारी की जाए, जिसमें कम सीट वाले जिले में अधिक मेरिट वाला अचयनित हो जाएगा एवं ज़्यादा सीटों वाले जिलों में निम्न गुणांक वाले चयनित हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुँचे छात्रों का कहना था कि सचिव प्रताप सिंह बघेल कह रहे थे कि जब तक शासन से कोई आदेश नहीं आ जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। सचिव से मिलने वालों में राहुल तिवारी, आयुष दुबे, आकाश पांडे, दिनेश कुमार यादव शामिल रहे। अगली खबर एसएससी की है। एसएससी पुरानी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करके 90,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग लंबित भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी कर बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी में है। आयोग की ओर से आने वाले दिनों में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के बाद करीब 90,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD परीक्षा 2018 के अलावा CGL, CHSL, JEE एवं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इन सभी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संख्या 47 के तहत हर विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सहशिक्षा का महाविद्यालय उपलब्ध न होने के कारण महीनों से इनकी नियुक्ति फंसी हुई थी। शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों से कॉलेज आवंटन के लिए आवेदन मांगे।